हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। हमने सिंघाड़े खूब खाए हैं कच्चे, और आज हम सब्जी बनाकर खाएंगे। सब्जी का स्वाद इतना अच्छा होगा कि परिवार में सभी को ये पसंद आएगा। तो आइए हम सिंघाड़े की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सिंघाड़े की सब्जी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम सिंघाड़े लिए। हमें ये ध्यान रखना है कि सिंघाड़े हमें कच्चे आते हैं, दूधिया होते हैं, वही लेने हैं। हमें पके हुए सिंघाड़े बिल्कुल भी नहीं लेने। अब हम एक कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे। जो हमने सिंघाड़े लिए थे वो सारे के सारे हम कुकर में डाल देंगे, और हमें इसमें इतना पानी भरना है, सिंघाड़े हमारे जो लिए वो पानी में डूब जाए। और इसमें हम ढक्कन लगाकर इसमें 5 सीटी लगा लेंगे। जब तक हमारे सिंघाड़े बॉईल हो रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक प्याज, एक लहसुन की गांठ, एक हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा, तीनों का हम एक साथ में पेस्ट बना लेंगे। और 4 मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर हमें ज्यादा ही मात्रा में लेने हैं। इसकी हम प्योरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। कुकर में 5 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सीटी को अपने आप निकलने देंगे। सिंघाड़े को हमने कुकर में से छान कर निकाल लिया है। अब हम एक एक करके सारे सिंघाड़े को छील लेंगे, और ये आसानी से छिल जाएंगे क्योंकि अब अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। सारे सिंघाड़े के हम छिलके हटा लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रखेंगे। 1 चम्मच भर गरम सरसों का तेल डाल देंगे और तेल को हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। सरसों के तेल में सब्जी बना रहे तो हम पूरा ही गरम करना है। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 2 तेज पत्ते, 8 से 9 काली मिर्च है और 2 लौंग। सबको हम एक साथ में डाल देंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। अब जो मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च का एक साथ पेस्ट बनाया था वो सारा डाल देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करेंगे। सारी चीजों को हमने लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लिया है, और अब ये कढ़ाई में तेल छोड़ना शुरू कर चुका है। अब हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच भरकर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसे डालने से सब्जी में जो कलर है वो शानदार आएगा। और 1 चम्मच भरकर ही हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही हम हल्दी पाउडर डालेंगे। सारी चीजों को हम मिक्स कर 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। सारे मसाले भून चुके हैं। अब जो हमने टमाटर की प्योरी बनाकर रखी थी वो हम डाल देंगे, और इसको भी हम भून लेंगे जब तक ये तेल छोड़ना स्टार्ट ना करे। टमाटर का कच्चापन है जो हमें दूर करना है, और लगातार हम चलाते रहेंगे। टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, ये तेल छोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ मैंने 1 पिंच हींग लिया था, उसको मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया है और ये पूरा गल चुका है। ये पानी हींग का है जो इसमें डाल देंगे। ऐसे हींग डालने से सब्जी की खुशबू है जो शानदार आएगी और टेस्ट तो शानदार बढ़ ही जाएगा। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। यहाँ मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो हमने सिंघाड़े को बॉईल करके रखा था वो डालेंगे, उसको भी हम ग्रेवी के साथ में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे, या आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। पानी को भी हम सिंघाड़े के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम सब्जी को चेक करेंगे। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ऊपर से हम गार्निश करने के लिए हरा धनिया डालेंगे। धनिया को मिक्स करेंगे और सब्जी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी को मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, और हम इसको गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। रोटी, चावल, चपाती या पूड़ी किसी के साथ भी हम इसको सर्व कर सकते हैं, टिफिन में भी ले जा सकते हैं। ये शानदार सब्जी है, सभी को ये पसंद आएगा इसका स्वाद। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।